بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. बहुत सारे अकाबिर अजीम रूहानी दीनी दरसगाह और अपने बुखारी शरीफ का ये प्रोग्राम, बहुत सारी नस्बतें इकट्ठी हैं। वक्त तंग है, मैं मुझे 10 मिनट दिए गए, मैं कोशिश करूँगा 9 मिनट के अंदर ही अपनी गुफ्तगू को समेट के नमाज की तैयारी के अवसर सबों के अंदर खड़े हूँ। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर, मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। मेरे खबरे नबूवत के परवाना, एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूं। ये आवाज को थोड़ा सा दुरुस्त करें, थोड़ा सा इसकी गूंज कम करें। हमारे नबी का जमाना, हमारे नबी का हक और सबसे बड़ा, कायनात के जिस जिस जर्रे तक अल्लाह ताला की रबूबियत है, उस जर्रे तक हमारे नबी की नबूवत है। साबिका अंबिया की नबूवत एक कौम के लिए, एक शहर के लिए, एक हलके के लिए। लेकिन सवाल यह है, उन अंबिया की उम्रें लंबी थी, किसी नबी की उम्र 1000 साल, किसी नबी की उम्र 800 साल, किसी नबी की उम्र 500 साल, और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हलका सबसे बड़ा है, लेकिन उम्र मुबारक सिर्फ 63 साल है। मैं आप हजरत की तवज्जो चाहता हूँ, हजरत ईसा अलैहि सल्लतु वसलाम, उनकी उम्र भी 120 साल होगी जब दोबारा तशरीफ लाएंगे। 75 साल की उम्र में 120 साल वो भी मुकम्मल करेंगे। वो भी नबी सिर्फ एक कौम के हैं। हमारे नबी का हक और सबसे बड़ा होना ये चाहिए था, हमारे नबी की उम्र सबसे ज्यादा होती, लेकिन सिर्फ 63 बरस तमाम अंबिया की उम्रों में से सबसे कम उम्र हमारे नबी की। इसका हल क्या था? मेरे नबी ने अपनी फजीलत की जो वजूहात बताई, उनमें सबसे पहली वजह, उसी को मैं मुख्तसर बयान करके गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तीन वअतीतु जवामिउल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता कर दिए गए। जुमला मुख्तसर है लेकिन पूरी कायनात का इहाता करता है। जुमला मुख्तसर है, मुसलमान की पूरी जिंदगी को घेर लेता है। जुमला मुख्तसर है। आइए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं इशारा फरमाया, अना वस्साअतु कहातैन, मैं और कयामत इन दो उंगलियों की तरह है। जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, इसी तरह मैं और कयामत आपस में मिले हुए हैं। जिस तरह इन दोनों उंगलियों के दरमियान किसी तीसरी उंगली का फासला नहीं, इसी तरह मेरे और कयामत के दरमियान किसी नए नबी का फासला नहीं। देखे, मेरे नबी ने एक जुमले में कयामत तक के आने वाले हर झूठे नबुवत के दावेदार का किला कमा किया है। वो मुसलमा हो उसको खत्म किया, अश्वद आनसी हो उसको खत्म किया, तुलहा हो उसका कदा खियामा किया, इसहाक अखरस हो, बयान बिन समान हो, सालेह बिन शरीफ हो, हकीम इब्न मुकन्ना हो, बहाउल्लाह ईरानी हो, मिर्जा कादियानी हो, मेरे नबी ने एक जुमले में इहाता किया। और हमें
समझाया अना वसार कहरातैन, मैं और कयामत इन दो उंगलियों की तरह है। मेरे अजीज जरा तवज्जो देना, इन दो उंगलियों के दरमियान कोई और उंगली निकलने की कोशिश करे, कोई फोड़ा फिंसी निकलने की कोशिश करे, उसे काट दिया जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। मेरे नबी और कयामत के दरमियान कोई नया शख्स नबी बनने की कोशिश करेगा, उसके वजूद को काट दिया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे नबी ने एक जुमले में सबका इलाज भी बताया। हाँ, कभी इस उंगली को काटने में, कभी फोड़ा फिंसी के काटने में जड़ें गहरी होती हैं, ऑपरेशन लंबा करना पड़ता है, कुर्बानी बड़ी देनी पड़ती है, कभी 1200 सहाबा की गर्दनें कटवानी पड़ती हैं। मैं आप हजरात से सवाल करना चाहता हूं इस मुख्तसर से वक्त में, सय्यदना सिद्दीक अकबर जो लश्कर लेके गए मुसैलमा के खिलाफ, 1200 सहाबाए किराम शहीद होते हैं, तो अगर 1200 शहीद हुए तो जख्मी कितने होंगे, बाजू कितने के शहीद होंगे, वालिद कितनों के शहीद होंगे। हाँ, अभी ये उस मैदान में खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन इनका पैगाम जाता है, खालिद बिन वलीद वापस मत आओ, आगे जाओ, तुलेहा ने नबूवत का दावा कर रखा है, जरा टकराते आओ। मैं आप हजरात से ये पूछना चाहता हूं, एक एक सहाबी का कोई नाम दिखाए। ये बड़े बड़े हदीस के शियोख तशरीफ फरमा मुअर्रिखीन बैठे हुए, एक सहाबी का नाम बताओ जिसने ये कहा हो मेरा उजर है, मैं खत्मे नबूवत के महाज पे आगे नहीं जा सकता, मेरे नबी ने सबक सिखाया था, फिर कटवाना पड़ेगा गर्दन तो कटवा देना, मेरे खत्मे नबूवत पे हर्फ मत आने देना। ये तारीख का तसलसल सुनाता, अगर वक्त होता कि किस तरह आज तक नबूवत के झूठे दावेदारों से ये उम्मत टकराती रही, देख वाला मान वर्षा कश्मीरी को, हजरत दीनपुरी को, हजरत दरखास्ती को, और जिनको मस्जिद नबी से पैगाम मिलता है, रोजा अथर से पैगाम मिलता है, वापस जाओ कि पाकिस्तान में मेरी खत्मे नबूवत का मसला बनने वाला है। वो देखो शोरश जो क्वेटा की जोल जेल के अंदर भूख हड़ताल करके बैठे हुए, 13 दिन गुजर गए, अपने भी परेशान, पराए भी परेशान, सब मिन्नतें कर रहे भूख हड़ताल खत्म कर, लेकिन शोरश नहीं खत्म करता। इधर मियां अब्दुल हादी रहमतुल्लाह का पैगाम जाता है, शोरश डट के रहना, फतह तेरी होनी है, गुंबदे खजरा से पैगाम आ चुका है। ये वो रास्ता है, मेरे नबी ने एक जुमले में समझाया था, सय्यदना सिद्दीक अकबर से लेकर कयामत तक के आने वाले कलमा गो को समझ लो, जो मेरे बाद नबूवत का दावा करे उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सरतन से जुदा है, उसके वजूद को उम्मत मुस्लिमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आप पूरी दुनिया में तुलाहा का मानने वाला एक भी नहीं दिखा सकते, इसहाक और फरस का मानने वाला एक भी नहीं दिखा सकते, रब्बे काबा की कसम वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया में ढूंढने से कादियानियत नामी जरासीम का कोई जरासीम नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, मैंने अपना हिस्सा डाला है खत्मे नबूवत के हवाले से, ये हमारा मरकज है आलमी मजलिस साहब बोझे खत्मे नबूवत का। साथ ही मैं ऐलान करना चाहता हूँ, जो साथी तशरीफ फरमा के भाई कासिम गुजर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि 5 मार्च को 78 चक फिरोजा में काजी एहसान अहमद साहब हमारे मरकजी रहनुमा है, और इसी तरह नूर मोहम्मद हजारी साहब सरगोधा से तशरीफ ला रहे, ये सब हजरात वहाँ 5 मार्च 78 चक फिरोजा में जुमे के वक्त खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस है, सब साथी शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब कभी बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।